एक्सरसाइज 13.8, लास्ट टू क्वेश्चंस आर पेंडिंग. क्वेश्चन नंबर 9 इज 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश. स्मॉल स्फीयर्स हैं, उनका रेडियस जो है आर है, सरफेस एरिया एस है. ऐसे 27 सॉलिड स्फीयर्स को मेल्ट किया है सो दैट वी कैन मेक अ बिगर स्फीयर हुज रेडियस इज, रेडियस कितना है, आर डैश, और सरफेस एरिया एस डैश. ठीक है, अब आप किसी चीज को मेल्ट करते हो तो उसका वॉल्यूम यूज होगा या उसका सरफेस एरिया, क्योंकि पूरी चीज को मेल्ट कर रहे हो, सॉलिड है मीन्स अंदर से फिल है, पूरी चीज मेल्ट हो गई और उस लिक्विड से एक बड़ा स्फीयर फॉर्म किया, इसका मतलब इसके वॉल्यूम, एक स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे. ऐसे 27 सॉलिड स्फीयर है जिनसे एक बड़ा स्फीयर बनेगा. राघव ध्यान कहाँ है, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. ये आ गया वन स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. गॉट इट? नाउ व्हेन यू कैंसिल इट आउट इट विल गिव यू 36 पाई आर क्यूब. कर सकते हैं, वो भी कर सकते, करने लगे, इक्वल भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा. सर वो एक ही बात है, जैसे मर्जी करो. ये 27 स्फीयर का वॉल्यूम आ गया. अब ये जो 27 स्फीयर्स है ना, इसको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना है, इसका मतलब जो बड़े वाला स्फीयर बना है उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, फोर बाय थ्री पाई आर डैश क्यू. ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है. और अगर आपने कटिंग नहीं करनी तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी लिखा रहने दो, वो भी लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखे रहे, कोई बात नहीं, यूज जो मर्जी कर लो. ये आ गया, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक, 27 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब. ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, लेफ्ट आउट क्या है, इधर से क्या लेफ्ट आउट है, 27 आर क्यूब इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 आर होल क्यूब. क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, आर डैश क्या आ जाएगा, इसका क्या मीनिंग है, मीन्स जो बड़े वाला स्फीयर है उसका रेडियस जो है 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द स्मॉल स्फीयर. ये रिलेशन आ गया. अच्छा, दोनों रेडियस की रेशियो क्या है, आर डैश अपॉन आर क्या है, और आर अपॉन आर डैश क्या है, दोनों के रेडियस की रेशियो 1/3 या 3:1 है, ये भी आ सकता है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज सेकंड, आपने फाइंड क्या करना है, दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो फाइंड करनी है. क्या निकालना था, पहले फाइंड द रेडियस आर डैश टू द न्यू स्फीयर, फाइंड कर लिया फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश. हां जी,
दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है। पहले ये नोट करो, ये रब करना पड़ेगा। दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है इसके बाद। सेकेंड पार्ट एस अपॉन एस डैश, इसका एस क्या होगा? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका 4 पाई आर डैश स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। आर अपॉन आर डैश कितना है? वन बाय थ्री स्क्वेयर, दैट इज 1/9। क्लियर? क्लियर है? और अगर आपको ऐसी रेशियो नहीं पुट करनी आती तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आर डैश की वैल्यू क्या है? आर डैश की वैल्यू क्या है? अगर आपको रेशियो नहीं लिखनी आती तो आर डैश की वैल्यू है 3R। आर डैश की वैल्यू है 3R। आर से आर 1/3 का स्क्वायर, 1:1। हाँ जी, जो पहले होता है वो पहले लिखते हैं, जो बाद में होता है वो बाद में। रेशियो लिखा है ना एस एंड एस डैश, तो पहले एस आएगा फिर एस डैश आएगा, अपनी मर्जी से नहीं चेंज कर सकते। एनी डाउट? ऋषम नोटबुक चेक करवाइए, नेम लिखा हुआ था बाहर नोटबुक पे। नोटबुक का क्या हूँ, क्या करें फिर? हम नोटबुक चाहिए मुझे। ठीक है, कल आ जाना नोटबुक के साथ, कहीं नोटबुक के साथ घर ही रह जाओ। इधर से किसकी नोटबुक रहती है? अर्षिता नोटबुक का है? कब दिखाओ जरा पुष्टि, वहां रख देना, चेक हो जाए। दिखाओ, पीछे पेजेस लेफ्ट थे, बीच में कुछ छोड़ा हुआ था काम? दिखाओ फिर, दे देना, वहां रख देना विंडो में बाद में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज A capsule of medicine is in the shape of the sphere of diameter 3.5. Diameter 3.5 millimeter. Aashna relation bolna zara. Millimeter ka relation kiske saath hota hai? Awaaz nahi aayi abhi tak. Kiske saath? Bolo. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 1 centimeter is equal to, ठीक है, अभी हमें चाहिए नहीं रिलेशन, वैसे ही पूछा है। How much medicine in millimeter cube is needed to fill that capsule? एक स्पीयर शेप का कैप्सूल है, whose radius, diameter is given, we have got the radius in fraction form. कहता है इस कैप्सूल में कितनी मेडिसिन डालनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब उसका क्या निकालना है? वॉल्यूम, रेडियस आपके पास है, वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ, अगर मैंने ये वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल लिखा ना तो पूरा लिखना है, अपनी मर्जी से सिर्फ वॉल्यूम, सिर्फ पॉपुलेशन, सिर्फ वाटर, ऐसे लिखा हुआ है
मैंने ऐसे स्टेटमेंट लिखी है नोटबुक यहाँ पे, आपने ऐसे लिखे हुए एक एक वर्ड, क्या हुआ? लिखा नहीं जाता आपसे एक लाइन? फोर बाय थ्री, ये जिसकी आवाज है बंद करो इसे, फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, फोर बाय थ्री पाई इज 22/7, रेडियस इज 7/4, सॉल्व करो इसे एंड गेट द आंसर इन मिलीमीटर क्यूब, सॉल्व करो जल्दी। डेसिमल में बताओ 22 पॉइंट, कहाँ से देखा है आंसर? डिवाइड तो नहीं किया होगा? Now we are going to start with the next chapter, that is chapter number 8, quadrilaterals. मेरे ख्याल से आप दोनों चैप्टर ज्योमेट्री के ही हैं आपके, तो ज्योमेट्री क्या है ना? हाँ लिखो 7, 15, 16, 26, 27, 41, 44, 45, 13. Chapter number 8, quadrilaterals we are going to start. What do you mean by quadrilateral? Just read. Any four-sided closed figure is called quadrilateral. Write down. Hanji, Hanji. You can write the introduction part directly in the fair. Quadrilateral, four-sided closed figure is called a quadrilateral. Four-sided closed figure is called a quadrilateral. Leave it and start writing. Parmeet, example do zara quadrilateral ke. Stand up. मैंने बोला फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। बोलो जगनूर। हाँ क्या मैं जोक सुनाया? हंसना था, मुझे तो पता ही नहीं था। बोलो। हाँ जी, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट, रोम्बस, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। राइट डाउन एग्जांपल्स। डाउन बोल दिए, लिखो स्क्वायर, एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एक्सेट्रा। Now, one by one, we will learn about the definition of each type of a quadrilateral in each type of a parallelogram.
देखो इधर, अब आपने क्वाड्रिलेटरल देखा, फोर साइडेड क्लोज फिगर है। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। आपने ये फिगर ड्रॉ की, ये इसकी ऑपोजिट साइड है, ये इसकी ऑपोजिट साइड है। इफ बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देन द फिगर इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। इफ बोथ द पेयर ऑफ, ये ड्रॉ कर लो पहले, ड्रॉ विद पेंसिल ओनली, फ्री हैंड यू कैन ड्रॉ बट यूज पेंसिल टू ड्रॉ द फिगर, डोंट ड्रॉ इट विद पेन। If write down if both the pairs of opposite sides, if both the pairs of opposite sides of a quadrilateral are parallel and equal, then it is a parallelogram. If both the pair of opposite sides are equal and parallel for a quadrilateral, then it is a parallelogram. Equal and parallel, then it is a parallelogram. ठीक है, अब जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट एंगल इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड पैरेलल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180, ऑल दीज आर द थ्योरम्स एंड दैट वी विल प्रूव इन दिस स्टेप। ठीक है, वो बाद में करेंगे, पहले डेफिनेशंस लिख लें। फर्स्ट आपने लिख ली पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की पर्टिकुलर टाइप होती है कौन सी, बता सकते हो? रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम, स्क्वेयर इज अ टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम। अभी आपने लिखा कि पैरेललोग्राम जो होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल की ही टाइप है, लेकिन जो आगे है ना स्क्वेयर रेक्टेंगल रोम्बस, वो अब पैरेललोग्राम की टाइप है। इसमें नहीं आएगा, वो क्वाड्रिलेटरल में आएगा। चलो लिखो, राइट डाउन, फर्स्ट लिखो स्क्वेयर, हाँ सेकंड डेफिनेशन लिख रहे हैं हम स्क्वेयर की। आप, मैं इसके बीच में लिखवा दूंगी, आप स्क्वेयर हेडिंग डालो, बस हेडिंग डालो स्क्वेयर। स्क्वेयर इज अ टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम, टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम समझ गए, मतलब इसके अंदर स्क्वेयर के अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, बात समझ रहे हो? इधर देखो एक मिनट, ये जैसे स्क्वेयर है, अब स्क्वेयर की ये सारी साइड क्या होती हैं, ये सारे एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं। अगर ये एंगल और ये एंगल 90 है, इसका मतलब लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। ये एंगल 90 है, को इंटीरियर का सम 180 हो गया, डिप कीर्ति इधर देखो पुष्टि, दोनों का सम 180 हो गया, साइड क्या होगी, पैरेलल। तो स्क्वेयर जो है वो टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो जो स्क्वेयर है इट इज अ टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, लिखो स्क्वेयर इज अ टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड तो है ही है इक्वल और पैरेलल, लेकिन साथ में एक एडिशनल प्रॉपर्टी है कि इसकी ऑल द साइड्स इक्वल है, क्योंकि को इंटीरियर का सम 180 है। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, एंड ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल।
ठीक है, नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल देखो क्या होता है, सारे एंगल 90 होते हैं, दोनों का सम क्या हो गया 180, को इंटीरियर हो गए, तो साइड्स क्या हो जाएंगी, और ऑपोजिट साइड इक्वल तो पहले ही होती है। तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम। राइट डाउन, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम whose opposite sides are equal and parallel. Rectangle is a type of a parallelogram whose opposite sides are equal and parallel. And all angles equal to 90 degree. Yeah, each angle equal to 90 degree. All equal angles are equal to 90 degrees. Each angle is equal to 90 degrees. Yeah, all the angles are equal, each equal to 90 degrees. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है वो है रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? पहली बात तो ये है कि रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल होती है, इसकी भी होती है, बस इसमें एंगल 90 नहीं होता। ठीक है, इसकी जो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी है वो तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं की। डायगोनल की रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी अलग है, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, वो भी अभी हम लिखेंगे, अभी हमने डिस्कस नहीं किया। राइट डाउन रोम्बस। रोम्बस इज अगेन अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। ऑपोजिट साइड इक्वल तो है ही है क्योंकि पैरेललोग्राम की टाइप है, लेकिन ऑल साइड्स भी इक्वल है। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे पैरेललोग्राम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। आपने सोचना नहीं है, सारी जितनी भी अब पैरेललोग्राम से रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे, रिजल्ट करेंगे, वो इन सब में एप्लीकेबल होंगे, स्क्वायर में भी, रेक्टेंगल में भी, रोम्बस में भी। ठीक है, तो वो बार बार नहीं बताया जाएगा, वो सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, या आप कह सकते हो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, वो भी चलेगा। एडजेसेंट साइड कहो या ऑल द साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ऑपोजिट तो है ही है, साथ वाली होगी, इसका मतलब सारी हो जाएगी। क्योंकि पैरेललोग्राम की टाइप है इसलिए। हाँ जी, अब लिखो नेक्स्ट काइट। काइट लिखो, अभी जो काइट है यहाँ से डिफरेंट स्टार्ट हो गया। अभी जो आपने थ्री टाइप करी है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, वो पैरेललोग्राम की टाइप थी, अब हम कर रहे हैं काइट। ठीक है, काइट डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया, बीच में लाइन डाल के सेपरेटली लिखना उसके साथ। हाँ, सेकेंड पॉइंट लिख दो, वो पहले वाले सारे फर्स्ट के अंडर थे, अब ये सेकेंड स्टार्ट हो रहा है। जहां पे आपने ये लिखा ना पैरेललोग्राम, इसको ऐसे वाली हेडिंग दे दो, और जहां से अब आप काइट लिखोगे वहां पे रोमन वाला ये दे दो। ठीक है, काइट के लिए रोमन वाला टू लिख दो, जहां पैरेललोग्राम लिखा था वहां रोम्बस, वो पैरेललोग्राम के आगे जो रोमन वाला वन होता है वो लिख दो। हाँ जी, अब आप लिख रहे हो काइट। काइट में क्या होता है, काइट के केस में बता सकते हो काइट की क्या प्रॉपर्टी है? एडजेसेंट साइड इक्वल एंड वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल। देखो कैसे, ऐसे है
ये एडजेसेंट साइड इसके इक्वल, ये एडजेसेंट साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। आपको याद नहीं होगा पक्का, मुझे पता ही है, सेवंथ क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था जब हमने कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल चैप्टर किया था ना, तो वहां पे एग्जांपल था, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया था, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ऑपोजिट एंगल काइट के इक्वल होते हैं, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड तो है ही कॉमन, ट्रिपल एस से भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने वहां किया हुआ है पहले ही, जो आपको नहीं भी याद है। अब एडजेसेंट साइड इक्वल है और वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, राइट डाउन लिखो। ए काइट इज अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ए काइट इज अ टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, पैरलोग्राम नहीं है, याद रखना, ये पूछा जाएगा कि काइट पैरलोग्राम होती है नहीं होती, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए ना, वो तो है नहीं, इसलिए पैरलोग्राम नहीं है। मैं बता तो रही हूँ कि उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरलर नहीं है, इसलिए बस। ए काइट इज अ टाइप ऑफ ए पैरलोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ए काइट इज अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये फिगर ड्रॉ कर लो, ए बी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू बी सी, एंगल तो मैंने आपको बताया ना कॉन्ग्रेंसी से हो रहा है, वो अभी नहीं लिखना, डेफिनेशन में एडजेसेंट साइड लिख लो बस, ये तो मैंने बताया कॉन्ग्रेंसी से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ट्रिपल एस से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो सारे एडजेसेंट एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो सारे लिखने नहीं, इसलिए लिख लो। इसके साथ एक लाइन लिख लो नीचे ब्रैकेट में, काइट इज नॉट अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम, काइट इज नॉट अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम, या काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, क्या सारे पैरेललोग्राम काइट हो सकते हैं? काइट पैरेललोग्राम नहीं हो सकती, लेकिन क्या पैरेललोग्राम काइट हो सकते हैं? पैरेललोग्राम की बात कर रही हूँ मैं, पैरेललोग्राम की, एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए, वो तो है नहीं, है एडजेसेंट साइड इक्वल, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है? नहीं होती। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात? पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, नीचे चला जा, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, लेकिन काइट के लिए आपको एडजेसेंट साइड इक्वल चाहिए, वो तो है नहीं। इसका मतलब वो वही बता रही हूँ मैं, पैरेललोग्राम की बात कर रही थी, पैरेललोग्राम जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पैरेललोग्राम कह रहे हैं इन जनरल। तो काइट पैरेललोग्राम नहीं है, तो पैरेललोग्राम काइट भी नहीं है, लेकिन स्क्वायर काइट हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि उसकी एडजेसेंट साइड क्या है, बात समझ आई? काइट स्क्वायर हो सकती है, काइट की दो दो साइड इक्वल है, लेकिन स्क्वायर की तो सारी इक्वल होती है, इसका मतलब काइट स्क्वायर नहीं बन सकती, लेकिन स्क्वायर एक काइट आपने देखी ही होगी, काइट आती तो है स्क्वायर शेप में भी, ठीक है, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। हाँ, रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगल हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, जैसे पैरेललोग्राम की होती है, क्लियर है? चलो लिखो, एक दो नोट लिखवाने हैं जरा, वो लिख लो पहले, उसके बाद और डेफिनेशन है वो भी लिखते हैं साइड बाय साइड। इस चैप्टर में बहुत कुछ है करने के लिए, एग्जाम्पल्स भी हैं, थियोरम्स भी हैं, एक्सरसाइज भी बहुत है, बहुत काम है, बस पढ़ना शुरू करो इनको, जो जो लिखवा रहे हैं इसको घर जाके थॉरली एक दो बार रीड कर लेना, आ जाएगा, लेकिन रीड किए बिना सोचो अगले दिन आ जाए तो नहीं आएगा, 5-10 मिनट लगाओगे रीड कर लोगे तो आ जाएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? लिखो, एक ही लिखो, नोट लिखो। नंबर वन, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है कि नहीं होता? क्यों?
रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए? ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, जो स्क्वायर की होती है. देखो ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल. नोट नंबर वन, नोट लिख के फर्स्ट पॉइंट है, अ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. कन्वर्स ट्रू होता है? रेक्टेंगल स्क्वायर बन सकता है? नहीं बन सकता ना. लिख लो बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. नेक्स्ट, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस. हो सकता है? कैसे? रोम्बस के लिए क्या चाहिए? सारी साइड इक्वल जो तो स्क्वायर की होती है, लेकिन स्क्वायर के लिए सारे एंगल 90 होते हैं और उसमें नहीं होते. इसका मतलब स्क्वायर के पास ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, तो वो छोटे वाला तो बन ही सकता है ना. ठीक है, रोम्बस के लिए आपको एक ही चीज चाहिए कि इसकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए जो कि स्क्वायर में इक्वल होती है. तो इसलिए स्क्वायर इज अ रोम्बस बट द कन्वर्स इज. क्यों? हाँ जी, क्योंकि एंगल्स 90 नहीं है रोम्बस के. बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? बट नॉट कन्वर्सली. ठीक है, नॉट कन्वर्सली का मतलब है कन्वर्स ट्रू नहीं है. नेक्स्ट लिखो, थर्ड पॉइंट है, ए रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर. ए रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर. ये वैसे हम लिख चुके हैं लेकिन दोबारा लिख रहे हैं. और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर. ये कहाँ लिख चुके हैं पहले? अभी कन्वर्सली वाला वही वही है. अच्छा, रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर. अच्छा एक बात बताओ, ट्रेपीजियम क्या होता है? इसकी ओनली वन पेयर ऑफ साइड जिसका पैरेलल होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम. जब अच्छा ये बताओ, पैरेललोग्राम की दोनों साइड पैरेलल और इक्वल होती है, लेकिन ट्रेपीजियम की ओनली वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है और इक्वल नहीं होती, सिर्फ पैरेलल होती है. तो क्या ट्रेपीजियम इक्वल नहीं होती? नहीं होती, सिर्फ पैरेलल होती है.